गोरखपुर में 13 दिसंबर के दिन शुक्रवार को विगत वर्षों की भांति स्वर्गीय केदारनाथ सिंह पूर्व विधायक एवं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का 7वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम बंगला नंबर 4 पार्क रोड मॉल घर गोरखपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामधारी यादव ने की। इस अवसर पर मुख्य वक्तागण राम सिंह, संतोष सिंह, महेंद्र मल्ल, राम बदन सिंह, वीरेंद्र सिंह, विश्वजीत सिंह, राजेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित वक्ताओं ने उनके कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके जन सरोकार की राजनीति व जनता की पकड़ को रेखांकित करते हुए मंडल कमीशन के लागू करने में उनकी प्रभावी भूमिका व तमकोही कोठी की विशाल सभा उनके नेतृत्व में वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा की गई वारक्षण में उनकी महती भूमिका पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने रघु भगत हत्याकांड का भी उल्लेख किया। सभी वक्ताओं ने उनके साफ गोई की राजनीति व राजनीतिक शुचिता का गुणगान किया। वहीं इस अवसर पर अभय सिंह, रविंद्र सिंह, मदन सिंह, विनोद सिंह, भीम सिंह, नवीन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। महान आत्मा थे, पुण्यात्मा थे और एक संघर्षशील नेता थे। गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके काम करते थे। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में उनके विचारधारा से प्रेरित होकर के इतने लोग उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर में अगर ये परिस्थिति होता तो शायद ही किसी नेता के लिए इतने लोग स्वयं प्रेरित होकर के उपस्थित होते। उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपने कर्मों से अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन ऐसे लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे जो शोषित थे, वंचित थे, जिनको अधिकार नहीं मिलता था, उनको अधिकार दिलाने का काम किए और खास तौर पर पिछड़े वर्ग को तो उन्होंने वो अधिकार दिलाने का काम किया जो पीढ़ियां याद करेंगी। पिछड़े समाज के लिए, पूर्वांचल के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में उनको लोग याद करते हैं और उनकी विचारधारा जिंदा रहे इसीलिए हम लोग याद करते हैं। आज नेताजी के पुण्यतिथि पे सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग सरकार से कुछ नहीं कहेंगे। सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, सरकार गोरखपुर की सरकार है। और गोरखपुर के सरकार से केदारनाथ सिंह के विषय में बताना अगर पड़े तो दुर्भाग्यपूर्ण है, कौन जानता नहीं उनको। तो इसलिए हम लोगों को कुछ कहना नहीं है। हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि इस महान आत्मा के लिए खुद सोचना चाहिए। ये आज पूरी तिथि है, उनके विचार कैसे थे? आज मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की 7वीं पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा है। सभा का तात्पर्य फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना मंदिर पर यही नहीं है, इसके अलावा भी है कि मन, वचन और कर्म से उनके विचारों, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना और आगे भी उनके कई काम जो हैं अधूरे कार्य उसको लेकर संघर्ष करना छूटना ये है। और पिताजी मेरे एक आदर्श पिता भी थे, आदर्श भाई भी थे और आदर्श पति भी थे। आदर्श एक परिवार के मुखिया थे, एक समुदाय के अगुआ थे, वह समाज के सर समाज के नेता थे, प्रदेश के नेता थे और देश के बड़े बड़े नेता भी इनको जानते थे। इसी से उनका सामाजिक और राजनीतिक मूल्य समझा जा सकता है। ये निरंतर चलता रहेगा कार्यक्रम। धन्यवाद। आज हम लोगों के श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की 7वीं पुण्यतिथि है। केदारनाथ सिंह जी ने पूर्वांचल में सैंथवार एक जाति है जो जनरल कास्ट में आता था, आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन आदरणीय केदार सिंह जी ने, स्वर्गीय केदार सिंह जी ने सैंथवारों को आरक्षण दिलाया और आज सैंथवार समाज का अंतिम जो भी नौजवान है सब लोग सच्ची श्रद्धांजलि तन मन धन से देते हैं कि उन्होंने समाज में हम लोगों को स्थापित किया, सैथवार समाज को स्थापित किया। आज उच्च अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, हम लोग पिछड़े वर्ग में आरक्षण से आए हैं और इसके लिए सैथवार समाज कृतज्ञ रहेगा स्वर्गीय केदार सिंह का। और पूर्वांचल का नौजवान स्वर्गीय केदार सिंह जी केवल एक जात के नहीं समस्त पिछड़े वर्ग समाज के, सर्व समाज के नेता थे और आज उनकी श्रद्धांजलि में केवल सैथवार समाज नहीं पिछड़े वर्ग के सभी जाति के लोग
अगड़े जाति के लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं और इससे स्वर्गीय केदार सिंह के लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह कितने लोकप्रिय विधायक थे हम लोगों के। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संगम सिंह के साथ संतोष सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर।